बुद्धि के दाता एवं विघ्नहर्ता श्री गणेश का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ शहर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई हैं। घुसीपुरा में भी बाल गणेश झांकी समिति द्वारा भगवान श्री गणेश की मनोरम झांकी सजाई गई है, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा सहयोग कर इस झांकी को और भी भव्य बना दिया गया है। आइए हम सीधे आपको ले चलते हैं बाल गणेश झांकी समिति के पास और हमने उनसे बात की कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। आज आया हूँ घोसीपुरा में, आपको बता दें यहाँ पर बाल गणेश युवा झांकी समिति द्वारा एक भगवान श्री गणेश की झांकी लगाई गई है, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है, 5 दिवसीय गणेश उत्सव होता है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं इन बच्चों ने किस तरह से यहाँ पर ये झांकी लगाई है, पहली बार लगाई है दूसरी बार? पहली बार। मेरा नाम है सौरभ परिहार, घोसीपुरा में रहता हूँ मैं। पहली बार गणेश जी की झांकी का लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बस यही कहना चाहिए। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई है? ये 5-7 दिन पहले ही हमने विचार बनाया, एक मेरा छोटा भाई है अंकित परियार, हम दोनों ने बातचीत की। फिर हमारे भैया हैं नरेंद्र सिंह परियार, उनने हमको बोला कि मैं साथ हूँ, हमने लगाई है। तो जैसे अपने बातचीत धर्मों को लेकर आपका क्या सोचना है? ये भैया बताएंगे। चलो आप भी बताएंगे। बस अच्छा लग रहा है हमें, बच्चों ने उत्साह जगाई, हम साथ हैं उनके और हमेशा रहेंगे, वैसे ही आगे कार्य चलता रहे हमारा। तो ये देखिए हमारे साथ ये एक युवा मोनू परियार भी हैं, इनसे ही पूछते हैं कि किस तरह, क्योंकि ये तो इस तरह के आयोजन करते ही रहते हैं, तो उनका क्या सोचना है इस बारे में? श्री गणपति बाबा की जो झांकी घोसीपुरा में बाल युवा झांकी समिति द्वारा यहाँ पर झांकी लगाई गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से झांकी लगाई गई है, और जिन धार्मिक आस्थाओं में आज के युवा रुचि रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और जिससे आने वाले जो छोटे छोटे और भी बच्चे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा बनेगी, और इसी प्रकार से आयोजन लगातार होते रहें, धार्मिक आस्थाओं से एक जुड़ाव, व्यक्तिगत भी जुड़ाव होता है, और उस जुड़ाव को लगातार बनाए रखें, धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाते रहें, जिससे धार्मिक संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हो सके। और हमारे साथ मयंक जी हैं। मयंक जी बताइए, आप इस बार झांकी लगाइए, आप किस तरह से उत्साह है आप लोगों को और आपकी जो युवा टीम काम कर रही है इनके साथ कैसे लग रहा है? हमारी सारी टीम बहुत उत्साह के साथ काम कर रही है, और आज हमने सामाजिक उत्थान मंच के जिलाध्यक्ष मोनू सिंह परियार को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया और उन्होंने आरती की। आप लोग अच्छे बोलोगे, कुछ कैसा लग रहा है आप लोगों? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इस तरह के आयोजन करोगे आप लोग? करेंगे। बड़े होके आप कुछ कहेंगे? इसलिए बस बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही है। मेरा नाम प्रदीप परियार है, और ये हमने पहली साल लगाई है झांकी, और प्रतिवर्ष हम इसी प्रकार ये झांकी समिति का आयोजन करेंगे। गणपति बप्पा। इन युवा बच्चों के साथ आपको बता दें कि ये बड़े लोग हैं, और इन लोग क्या साथ दे रहे हैं, किस तरह से इन लोगों को थोड़ा बच्चों का साथ देना, क्या भूमिका निभा रहे हैं आप लोग बताइए। ये हमारे बड़े मामा जी हैं, ये आपको संबोधन करेंगे। देखो भैया हम बताएं, ये बच्चों को ऊपर वाले ने दिए बुद्धि, जाओ इन्होंने बाल व्यवस्था करी है और बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को, और ऐसे ही हमेशा बनाते रहे, और सब जनों को मेरा आशीर्वाद है, और आगे ये समझे बाल युवा झांकी समिति को और बच्चों को युवाओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं जो ऐसा सराहनीय कार्य किया है। बच्चों ने प्रेरणा लेकर ये सब कार्य किए, इससे हमको बहुत खुशी है, आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे। ये देखिए ये सभी का सहयोग इनको मिल रहा है बच्चों को, और आगे भी इस तरह की कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को एकजुट होना सिखाता है। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश शहर जिले की खबरें आपकी जेब में, देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।